यहाँ कब से रह रहे हो इस आवास में? सन 2013 से रह रहे हैं। अच्छा, कोई आपका आवास नहीं बना? नहीं। आपके जो ससुराल वाले उन्होंने आपको अलग कर दिया? अलग कर दिया, हाँ। अलग कब से? 13 से रह रहे। क्या बोला? कह रहा कि आपकी जमीन पड़ी है, आपने बना लो, रह लो। तो इस पे मकान आया है? तो फिर आया है, लेकिन 4 बार जांच आई है, लेकिन सेक्रेटरी और प्रधान ने लौटवा दी। आपने उनसे कहा नहीं कोई रिश्वत वगैरह या फिर कुछ ऐसा चीज? मांग रहे हैं 20,000 रुपये। 20,000 रुपये तो मकान आ जाएगा? 20,000 रुपये कहाँ से दें हम? सेक्रेटरी का नाम क्या है? अजय कुमार शुक्ला। तहसील कौन सी लगती है? नजीबाबाद। प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी का नाम ऋषि पाल था पहले। और अब कौन है? अब दूसरा है दीपा। अच्छा, दीपा जी। हाँ, लेडीज है। अच्छा, लेडीज है। यो इस बार ही बनी है जी? हाँ। अच्छा, ये आप ही का मकान आपके पीछे जो है? हमारा ये, इसमें रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। वो लोग पात्र हैं अपात्र हैं? वो लोग अपात्र थे, उनके दो दो मकान पक्के खड़े थे, लेकिन फिर भी जो सेक्रेटरी ने जो है उनका मकान बनवाया। क्या नाम है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी का नाम अजय कुमार शुक्ला। अच्छा, यहाँ पे इंक्वायरी करने आए हैं वो? हमारे घर पे तो आया था, लेकिन जो बनवाने के लिए मना कर गया। अच्छा, उसके बाद डायरेक्टली मना कर दिया कि उसके मकान डायरेक्टली मना कर दिया। अभी भी पीछे बात की थी मैंने कि मतलब मकान बनवा दो, बोला साइड बंद है, तेरा मकान तो बनेगा नहीं। अच्छा, कुछ रिश्वत वस्वत मांगते हैं? रिश्वत 20,000 रुपये ही मांग रहे हैं। मांगते हैं, इससे पहले नहीं आएगा मकान? इससे पहले नहीं आएगा, लेकिन सर अगर मेरे पास 20,000 रुपये होते तो मैं इसमें छप्पर में थोड़ी ना रहता, मैं तो एक टीन सेट डाल के रह लेता। जी जी। अब मेरे पास तो पैसों की व्यवस्था नहीं है। अब क्या चाहते हो? हम ही चाहते हैं कि सरकार आए, किसी भी अधिकारी को, उच्च लेवल अधिकारी को भेजे, जो जांच पड़ताल करके मौके पर जो चीज़ है उसको छानबीन करके जो सही है उसको सही कराए। जी जी। तहसील नजीबाबाद लगती है ना? जी, नजीबाबाद तहसील लगती है। ब्लॉक भी नजीबाबाद? ब्लॉक भी नजीबाबाद है सर। ये गांव कौन सा है? गांव औरंगपुर बसंता है। यहां के प्रधान से बात की है? उस प्रधान से बात की थी, लेकिन प्रधान ने भी मना कर दिया क्योंकि उसको भी रिश्वत चाहिए। तो प्रधान भी मतलब नहीं बनवा पा रहा? जी। और पिछले जो प्रधान था उसने रिश्वत मांगी थी, आपका जो प्रधान है उससे कई बार कह दिया। जी। वो प्रधान आता ही नहीं है, वो मना कर देता है कि मुझे आना ही नहीं है, ना ही मैं बनवा रहा हूँ। अच्छा, ठीक। नाम? मेरा नाम घसीटा सिंह है। ये लोकेंद्र सिंह कौन लगते हैं आपके? लोकेंद्र सिंह मेरा बड़ा लड़का है, मैंने इसे अलग कर रखा 2013 से। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितने मकान बने हैं? मकान 2 हैं मेरे। अच्छा, लेकिन मेरा मकान जो 98 सरकारी मकान आया था उसकी छत गिर रही है। जी जी। और मैंने इसे हिस्सा दे रखा है इधर का, मकान बना ले भैया, रह जाओ। इन्होंने आपने अपनी प्रॉपर्टी से इनको अलग कह दिया कि अलग रहो, अलग खाओ। अच्छा, आपका मतलब ही नहीं? आपका मकान आया है पहले? आया 98 में। अच्छा, नहीं अब जो आप अप्लाई किया था? बस मैंने तो ना किया, इसने किया अप्लाई। क्या हुआ फिर, आया नहीं अभी तक? अभी तो आया वो आम मेरे मकान का फोटो खींच के ले जा। पक्के वाले का जो इस चीज के ये खींचते नहीं है फोटो? हाँ? दूसरे मकान के खींच के ले जाते हैं। दूसरी का कैंसिल कर दे, कहते मकान नहीं बनने का तेरा। अच्छा, मना कर दे बिल्कुल? मना कर दी बिल्कुल। इस चीज के पात्र हो आप? हाँ बिल्कुल पात्र है, रुपए मांगे इनसे, 20,000 रुपए दे और मकान बनवा ले। रिश्वत कौन मांगता है? सेक्रेटरी पैसे मांगता है। हाँ? उसके बाद ही मकान आ पाएगा। हाँ, प्रधान और सेक्रेटरी दोनों मिलकर मांगे, और कोई थोड़ा मांगा है। प्रधान कौन है यहाँ का? पहला प्रधान वो था ऋषि पाल जी, और अब कौन है वर्तमान में? अब वर्तमान में तो लोकेंद्र हुआ। अच्छा, जो अब बने हैं? हाँ, वो तो अब नया प्रधान है। अच्छा, लेडीज हैं जेंट्स हैं? लेडीज है। अच्छा, बात हुई आपकी उनसे? ना, उनसे कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं, लोकेंद्र की बात हुई होगी, मेरी कोई बात नहीं। अच्छा,